अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। आज हम व्यूअर्स आपको एक अंग्रेज इस शख्स के बारे में बताएंगे जो कि बहुत ही एक फेमस पर्सन है और इसके अलावा म्यूजिक में भी इंडस्ट्री में काम किया है, एक यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर आर्ट भी है। इसका नाम है स्लिको और उनका एक ऐसा हैरान कुन किस्सा जो आपको हैरान कर देगा कि वो कैसे एथियज्म से यानी ना खुदा मानने वाले से कहना है कि इस्लाम 9/11 के बाद सब मुसलमानों को वहां से बेदखल कर दिया गया था और हर कोई यही सोच रहा था, न्यूज पर जहां भी देखते यही कह रहे होते कि जी मुसलमान दहशत गर्द है, इस्लाम एक सही मजहब नहीं है, इसमें दहशत गर्दी सिखाई जाती है। तो तब मुझे एहसास हुआ कि यार इस रिलीजन में जो है ना कुछ तो है लाजमी। तो इनकी वजह से मैंने सारी न्यूज़ वगैरह जो फेक न्यूज़ होते हैं वो मैंने बंद कर देखना बंद कर दिए और मैंने अपनी रिसर्च जारी कर दी। अब इनका अपने अल्फाज में ये कहना था कि मैं पागल था, मुझे किसी चीज़ पे भरोसा नहीं था, मैं हमेशा हर चीज़ से कट सा गया था, मैं हमेशा अंधेरे में रहता था और मेरा कोई रोल मॉडल नहीं था, मुझे किसी से भी कोई उम्मीद नहीं थी, मैं हमेशा अकेले रहता था और मैं हमेशा अपने गवर्नमेंट को सुनता था, मैं पागल सा हो गया था और हमेशा मैं खफा रहता था, मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं थी, मैं हमेशा नशे करता था, मैंने कोकीन भी की है और मुझे ये लगता था कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं और मुझे यही लगता था कि बस हमेशा अगर मैं इसी चीज़ पर वीडियो बनाऊँगा तो मुझे कामयाबी मिल जाएगी। और मैं वीडियो गेम्स खेलता था और मैं कभी कभार यही सोचता था कि कुछ भी चीज़ जो है ना किसी काम की नहीं होती थी और मुझे कोई नहीं लगता था कि जो है ना सही चीज़ कोई भी होती है। उनका फिर यही कहना था कि अब जब से मैं यही सोचता रहता था कि मेरा कोई मकसद होना चाहिए, इस वजह से अगर कोई भी इसी स्टेज से गुजर रहा है तो उनको चाहिए कि वो सबसे पहले दीन इस्लाम की तरफ रुजू करे और इस्लाम को कबूल करने के बाद ही बंदे को पता चलता है कि मेरा इस दुनिया में ये रहन सहन का तरीका क्या होना चाहिए, मुझे किस हिसाब से किस मॉडल को मुझे अपना रोल बनाना चाहिए। इसके अलावा बहुत सी सारी ज़िंदगी के तकाजे ऐसे हैं जो इंसान को बाद में समझ आते हैं जब आप दीन इस्लाम पर अमल करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि अब मुझे यही जहन में आ रहा है कि मैं जैसे ही शादी करूंगा तो मुझे अपने बच्चों को कैसे तालीम देनी है ताकि वो इस तरबियत से गुजरे, ताकि उनको कोई ऐसी बुरी चीज़ का सामना ना करना पड़े जिससे मैं गुजरा हूँ। इसके बाद इस्लाम को कबूल करने के बाद आपको ये अंदाज़ा हो जाता है कि आपका ज़िंदगी में रहन सहन बसर कैसे करने चाहिए। जैसे कि आप हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखते हैं तो आपको पता चल जाता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी कैसे बसर करनी है, कैसे गुजारनी है, किस तौर तरीके कायदे कानून को मैंने जो है ना अपनी ज़िंदगी में लाना है। वरना हालांकि अगर आप आम ज़िंदगी में देख ले तो हर किसी को ब्रेन वॉश किया जा रहा है, किसी को कोई पता नहीं कहाँ जा रहा है, ना कोई ज़िंदगाती तालीम है, किसी के पास हर कोई जाहिल बना फिर रहा है और अपने आप को कोई बड़ा समझने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अब जब इस्लाम आप कबूल कर लेते हैं तब आपको ये चीज़ें समझ आना शुरू हो जाती हैं, तब आप यही सोच रहे होते कि काश मैं इस दीन से पहले वाकिफ होता तो मैं इतनी तकलीफ़ों से ना गुजरना पड़ता। इनका यही कहना है कि अगर आप किसी भी दीन को फॉलो नहीं कर रहे तो आप किसी भी शोबे में जाते हैं तो आप अगर कोई किसी खुदा को नहीं मानते तो आपका फिर वही उसी शोबे का जब सबसे बड़ा परफॉर्मर होता है, जो भी सबसे बड़ा स्टार होता है, तो वही आपका खुदा बन जाता है क्योंकि आप खुदा को तो मानते ही नहीं है। तो आप इन कामों में पड़ जाते हैं कि आप अपने शोबे, अपने हैसियत, पावर, पैसे को हासिल करने के लिए उसी शोबे को अपनाते हैं और उसी का जो सबसे बड़ा किरदार होता है आप उसी को ही अपना खुदा बना लेते हैं, जो कि एक तबाही कौन फैसला होता है और आपको बाद में इससे निकलना ही पड़ता है, वरना तो आपको ये तबाह करके रख देता है।